What's up everyone, welcome back to the channel. तो my best wishes for you all for tomorrow's exam. Hopefully आप लोगों ने बहुत 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 अच्छे से prepare करा होगा, बहुत मेहनत करी होंगी आपने सारे ही. वन शॉट मुझे पूरी उम्मीद है देख लिए होंगे. इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपने पूरा प्रिपेयर कर लिया होगा, मैक्रो पूरा कर लिया होगा, इंपॉर्टेंट डेट्स वाला वीडियो देख लिया होगा, उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाला वीडियो देख लिया होगा, और जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आपने वो सारी कवर कर ली होंगी. तो आई एम वेरी मच होपफुल कि आपका एग्जाम कल अच्छा होगा. एक बार फिर भी फॉर कॉशन आप लोग प्लीज़ चेक कर लेना कि भाई कितने ऑप्शंस हैं, कितने अटेम्प्ट करने हैं, क्या फिर से कोई पैटर्न चेंज तो नहीं है. तो प्लीज़ स्टार्टिंग के 5 मिनट रीडिंग टाइम के, ओनली 5 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं, 5 मिनट रीडिंग टाइम के ज़रूर लगाना ये देखने में कि सब नॉर्मलाइज है ना, पैटर्न तो नहीं बदल गया कुछ, ये देखने में 5 मिनट लगा देना. उसके बाद पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है एक बार वो देख लो. अगर आपको पेपर अटेम्प्ट करने की बात आनी है तो बेसिकली 3 सेक्शंस में हमारा पेपर होना चाहिए. आपको सबसे पहले फिर से सेक्शन बी करना है, ठीक है. सेक्शन बी क्यों करना है, क्योंकि इसको सोचने में ना तुम लोग को थोड़ा सा टाइम लगेगा. इसके अंदर रीजन असर्शन होंगे कल, बहुत ज्यादा तो नहीं होंगे बट हाँ होंगे. इकोनॉमिक्स में रीजन असर्शन बहुत होते हैं क्योंकि हर चीज का रीजन होता है. तो रीजन असर्शन आपको इस सेक्शन में देखने को मिलेंगे. तो आप इस सेक्शन को सबसे पहले उठाना, बाकी सेक्शन आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है. तो सबसे पहले इसके रीजन असर्शन उठा लेना, उसको प्रॉपरली बहुत स्लोली पढ़ना, बहुत जल्दी मत करना, और रीडिंग टाइम में ही इसको मैक्सिमम एक्सटेंड तक सॉल्व करने की ट्राई करना, ठीक है. ये जब आप लोग का हो जाएगा देन सीधा सेक्शन ए पे जाना, स्ट्रेट फॉरवर्ड. इसके बाद कौन सा करना है, बी के बाद सेक्शन ए, सेक्शन ए के बाद फिर सेक्शन सी पे जाना, जिसके अंदर कुछ आपको ग्राफ्स ग्रूफ्स वाले या कुछ अलग क्वेश्चन दिए होंगे. तो आपको सबसे पहले सेक्शन बी करना है, देन सेक्शन ए, देन सेक्शन सी, ठीक है. डेटा वाले क्वेश्चंस एज सच आई डोंट थिंक सो कि कोई बहुत डायरेक्ट आपसे डेटा पूछेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता. बट हाँ कुछ इस तरीके के क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं कि टेबल दिया हुआ है कि 2015 में लेट सपोज जो डेथ रेट है वो परसेंटेज में ना देके नंबर्स में दे दिया कि सपोज यहाँ पे जो लोगों की डेथ हो रही थी बिलो द एज ऑफ वन वो 20412 थी, उसके बाद 2018 में ये 32413 हो गया, उसके बाद 2020 में ये 4857 हो गया, 4857 हो गया, 48573 हो गया, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है. तो आपको बोल सकता है अब आप परसेंटेज चेंज बताओ इसमें. तो परसेंटेज चेंज बताने के लिए सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखना, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100, ठीक है. फाइनल माइनस इनिशियल, सपोज आपको बोल रहा है कि 15 से 18 के बीच में बताओ, 15 से 18 के बीच में, तो ये दोनों माइनस करना, जो भी वैल्यू आएगी वो यहां रख देना. फाइनल ये है, इनिशियल ये है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100. सपोज मैं इसमें इजी फिगर ले लेता हूँ कि 500 से 800 हो गया, तो 500 से 800 इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 300 अपॉन इनिशियल 500 इंटू 100, ये दे दिया. दिस इज फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, सही है. अब सपोज आपको बोले कि 18 और 20 का चेंज बताओ, यहाँ पे 800 है यहाँ पे 1000 है, तो आप चेंज देख लोगे, इसके अंदर चेंज है 200 का, तो 200 अपॉन इसका इनिशियल ये है. अगर इन दोनों की बात कर रहा हूँ तो इसका इनिशियल ये है 200 अपॉन 800 इंटू 100, ये देख लेना. इसके बाद अगर आपको बोले कि इन दोनों का बताओ, 15 से लेकर 20 का बताओ, तो आप कहोगे फाइनल माइनस इनिशियल 500 अपॉन 500 इंटू 100, 100% का चेंज है, ठीक है. तो ऐसा आपको डेटा दिया होगा, टेबल दिया होगा, आपको देख के बस पहचानना होगा. तो रीडिंग ध्यान से करना कि किस टर्म का मतलब क्या है, ठीक है. कुछ चीजें होती हैं जैसे LRR, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स पता होना चाहिए, CRR, कैश रिजर्व रेशो, SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, K किसको बोलते हैं हम लोग, मल्टीप्लायर को बोलते हैं, ID, इनिशियल डिपॉजिट्स, FD, फिक्स डिपॉजिट्स, ठीक है, फाइनल डिपॉजिट्स भी आता है यहाँ पे, ऐसा पूछेगा नहीं तुम्हारे से, बट ये तो याद रखना, ओके. IPR, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, इस तरीके की चीजें, NABARD की फुल फॉर्म, NCERT की फुल फॉर्म अभी मैंने कराई तुम लोग को पिछले डेट्स वाली वीडियो में, ICMR क्या है, उसके अलावा UGC क्या है. तो इस तरीके की छोटी छोटी कीवर्ड्स आपने जब NCERT रीडिंग लगाई होगी, या आपके पास जो भी बुक है यार हर किताब में दी हुई है, योजनाओं की फुल फॉर्म जरूर देख लेना एक बार, PMRY, इसके अलावा और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, एक बार जरूर जरूर देख के जाना. जनधन योजना एक बार अच्छे से देख लेना गवर्नमेंट की, और फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, मनरेगा जरूर देख लेना, मनरेगा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट योजना, और
और मेरे माइंड में ऐसा सच कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं आ रही है। ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत अच्छे से देखना है, व्हाइट रेवोल्यूशन आपको अच्छे से देखना है, गोल्डन रेवोल्यूशन आपको अच्छे से देखना है। ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन किस में आया था? मेनली वीट में। व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क में, अमूल की बात हुई थी, गुजरात से चला था। गोल्डन रेवोल्यूशन किस में आया था? हमारे पास फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हनी, उसके लिए हम गोल्डन रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और पेपर अटेम्प्ट का मैंने तुम्हें बता दिया, स्पीड का ध्यान रखना, पेपर पूरा हो जाएगा, चिंता मत करना, बस रीडिंग टाइम का अच्छे से एडवांटेज लेना, ठीक है। सेक्शन बी सॉल्व करना, फिर सेक्शन ए सॉल्व करना, उसके बाद सेक्शन सी की तरफ जाना। रीजन असर्शन दो दो बार पढ़ने हैं, मिस्टेक मत करके आना, छोटी छोटी चीजों से गलतियां होती हैं। देन उसके बाद गवर्नमेंट बजट के न्यूमेरिकल्स, प्लीज आई होप आपने देख लिए होंगे गवर्नमेंट बजट के न्यूमेरिकल्स, चाहे वो रेवेन्यू डेफिसिट हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, चाहे वो फिस्कल डेफिसिट हो, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, किसको छोड़ के? एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, बोरोइंग्स को छोड़ना है या नेट ऑफ बोरोइंग्स, और प्राइमरी डेफिसिट इज फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। ये सभी फॉर्मूलाज वगैरह बहुत अच्छे से आपको आने चाहिए। और बस यार, मुझे पूरी उम्मीद है तुमने कर ही लिया होगा सारी चीज़ें मैंने बता दी तुम लोगों को, और एग्जाम बहुत अच्छा करके आओगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, और मिलेंगे तुम लोगों को बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ों के साथ। एंड ये जर्नी अभी टर्म वन की नहीं है, टर्म वन हमने कंप्लीट करा है फ्रॉम माय सब्जेक्ट्स, इसके बाद हम लोग टर्म टू की तैयारी शुरू करेंगे और फिर कुछ और नई नई चीज़ें करेंगे। तो विशिंग यू ऑल गुड लक, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, कीप वर्किंग हार्ड, टर्म वन ओवर, इसके बाद एंजॉय करना, देन विल मूव टू टर्म। Thank you so much, everyone.